बार जोरदार तालियां हो जाए भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के लिए और गजल के सम्राट पंकज उदास जी और तलत अजीज जी के लिए। तो सर ऐसा करते हैं कि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और आपसे तड़कती भड़कती बातचीत इमीडिएटली शुरू करते हैं, इजाजत है? सबसे पहले मेरा सवाल अनूप जी आपसे। हाँ जरूर सर। आपकी जो इमेज है इतनी पाक पावन भगवान के आदमी वाली इमेज है, जो सही है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप कहीं गए हैं और कोई बड़े मजे में चिकन खा रहा है अपने प्लेट से दबा रहा है और फिर आप वहाँ पहुंचे तो उन्होंने ऐसे चिकन छुपा दिया और फिर आप वहाँ गए और बोला भाई चिकन कैसा बनाया है मैंने, मसाला कम तो नहीं है? सर इमेज की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुई आपको? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं सब खाता पीता हूँ। क्या बात है। एक छोटा सा सवाल है, मतलब आप लाइव शो में पैसे लेते हैं कि प्रसाद लेते हैं? मैं पैसे को ही प्रसाद समझ के ले लेता। अरे क्या बात है। अनूप सर सच बताइए, कुछ तो इमेज के साथ आपकी इमेज, इतनी अच्छी इमेज भी अच्छी नहीं होती मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे, आप हमेशा कुछ एक तरीके से बिहेव करेंगे, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा बहुत होता है क्योंकि मैं कभी कभी प्रोग्राम में जाता हूँ तो वो लोग बाद में मुझे फल फूल लाके दे देते हैं जो ये आपका खाने का सामान है, तो मैं उनको समझाता हूँ यार मैं भी नॉर्मल वही सब खाता हूँ जो आप लोग खाते हैं। इनकी इमेज इतनी क्लीन है ना अनूप जी की, इतने भजन गाए हैं, मैंने एक दिन गूगल पे टाइप किया अनूप जलोटा, आगे से थप्पड़ वाला स्माइली आ गया था, श्री तेरा बाप लगाए गए इनके नाम के आगे। और साथ में ये भी लिखाया कि चप्पल उतार के टाइप करें प्लीज। आदित्य इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं लेकिन तुमने अभी तक पंकज जी से एक भी सवाल नहीं पूछा, मुझे लगता है पंकज उदास हो गए। पंकज सर रॉकस्टार फिल्म में जब रणबीर कपूर को सिंगर बनना होता है तो उसे कहा जाता है कि यार आर्टिस्ट बनने के लिए दिल का टूटना बहुत जरूरी होता है, तो सर आपकी क्या कहानी है, आपका भी जवानी में दिल टूटा है या कोई मानी नहीं, मतलब कैसे हुआ सर? जिस तरह से मैं गाता हूँ शायद 10 बार टूटा होगा। सर हम लोग उन 10 के 10 को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से इंडिया को इतने अच्छे अच्छे गाने मिले, तो थैंक यू। थैंक यू। पंकज सर आप ज्यादातर शराब पे गाने बनाते हैं ना? नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ज्यादातर नहीं बिल्कुल नहीं। फिर हमने पी के सुने होंगे। आपने सच बात बता दी, पोल खोल दी। एक्चुअली मैं सर इनके 4 गाने बैक टू बैक सुन लो आपको हैंगओवर हो जाता है। बिल्कुल। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ आपको किसी शराब की कंपनी ने अप्रोच किया हो कि यार अपने गानों में हमारे ब्रांड का नाम? उसूल के तौर से मैंने टबैको और शराब को कभी प्रमोट नहीं किया मेरी जिंदगी में। इन्होंने हमेशा कहा है थोड़ी थोड़ी पिया करो। मुझे जालंधर से फोन आया कि साहब एक लड़का है यहाँ पे, वो कितने दिनों से आपका एक गाना सुन रहा है, उसने क्या किया था कैसेट को रिपीट पे डाल दिया हुआ था, उसकी एक छोटी सी दुकान थी, तो सुबह जब दुकान खोलता था तो वो गाना शुरू करता था और रात में जब दुकान बंद करता था तब बंद करता था। क्या बात। तो अगल बगल वाले जो थे सुन सुन के परेशान होने लगे कि भाई अब कोई दूसरा गाना भी बजा दे। ये क्या सुबह से यही चला हुआ। आखिर में ये हुआ कि लोगों ने जाके जालंधर के मेयर को कंप्लेन की कि साहब आप कोई रास्ता ढूंढिए कि भाई ये बंदा ये सुनना बंद करे। तो उसने कहा कि भाई मैं ये गाना सुनना उस वक्त बंद करूंगा जब पंकज उदास खुद आएंगे और इसको बंद करेंगे। क्या बात है। तो मैं जालंधर गया खास यहाँ से, वहां जाके मैंने जब वो उसके टेप रिकॉर्डर का स्टॉप बटन दबाया तब उसने वो गाना सुनना बंद किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक लॉग बुक रखा हुआ था कि आज दिन में कितनी बार सुना। अब वो इतने लंबे अरसे से सुन रहा था कि उसने वो गाना 60,000 बार सुना। क्या बात है। सुपर। और आज भी उस लड़के का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे दर्ज है
फॉर अ वेरी अनयूजुअल रिकॉर्ड के भाई कोई बंदा एक गाना 60,000 बार क्यों सुनेगा। सर प्यार करते हैं लोग आपसे सर, आप तो है बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मेरा भी एक गाना आदमी बहुत सुनता है, एक आदमी वो भी पंजाब में था बाप तो नहीं सुबह से सुबह से शाम सुन रहा है। तो उसको एक हफ्ते बाद किसी ने कहा क्या बात है तुम यही गाना सुनते रहते, कहते जब तक अनूप जलोटा ठीक से नहीं गाएंगे अभी। अमेजिंग। एप्पल जूस है? एप्पल जूस नहीं है, वो क्या है कि हम जो पंजाबी है ना हमको दारू पीने के लिए गाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम किसी भी बात पी लेते, ओए मान गई ओए पी लो, ओए छोड़ गई ओए पी लो, ओ मम्मी ने भिंडी बनाई पी लो। हम तो अगर एक पैक ज्यादा पी लेना गलती से तो एक और पी लेते, ओए स्टैमिना बढ़ गया ओए। अरे मियां इसी पर एक शेर कह देता हूँ चलो सर। हाँ, प्लीज इरशाद। के नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल सर, है ना? वाह 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 क्या बात है। नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, अरे किसी की याद को कीजिए शराब में शामिल। हेलो सर, हमको पता चला है कि आपको शाम गजल की बहुत शौक है, आप घर पे पोइट्स को सिंगर्स को बुलाते हैं और बहुत कमाल की महफिल सजाते हैं, तो सर क्या इसी की वजह से आप इंस्पायर हो के फिर यार आदित्य रुक दो सॉरी क्या घुमा घुमा के पूछ रहा है, मैं 2,000 रुपए डालना चाहता हूँ। डायरेक्ट बात पूछनी है आपसे तलत सर, सच बताइए आपने गजल पैसे बचाने के चक्कर में सीखे है ना कि बाकी आर्टिस्ट को पेमेंट ना देनी पड़े, मुफ्त में घर में जम जाए महफिल, बताइए सच बताइए यही क्या ना आपने। बट सर आप बता रहे थे कि आप गजलों में क्यों इतने ज्यादा कैसे इंटरेस्टेड हुए और कैसे आप यहां? यार अभी ये बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं आपको बस एक छोटी सी बात, कहीं कोई लड़की है कहीं कोई दर्द है हमें बस इसमें इंटरेस्ट है। कहीं कोई लड़की है कहां नहीं है ये पूछो। कहीं और कोई हर जगह है। ये बात मैंने नहीं कहा इन्होंने कहा। अनूप सर सबके पोल खोल रहे हैं आज, आपकी इमेज ही अच्छे में देख रहा हूँ आप कितने शैतान। सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। अनूप सर एक छोटी सी बात पूछनी है, जितने आपने भजन गाए हैं सर आपके फैन है के भक्त हैं? भक्त भी तो फैन ही होते हैं। सर एक छोटा सा सवाल था, सबसे वियर्ड फरमाइश आपको कौन सी हुई आज तक और आपको पूरी करनी पड़ी है मजबूरी में, वियर्ड फरमाइश? एक दो बार ये हुआ है, 2-2.5 घंटे हम गा चुके हैं जी और एक आदमी कहता अब एक अच्छा सा गाना सुना। अच्छा अनूप सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने महफिल जमा दी, 2 घंटे का शो हो गया 3 घंटे का शो हो गया और उसके बाद फिर कोई ऑडियंस से उठ के खड़ा हुआ और बोला अरे अभी मुझे फास्ट नंबर सुनना है, कुछ तड़कता भड़कता, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? सुना देते। अरे अरे सर सुना दो, सुनाइए सर सुना दो। लवली सर शुक्रिया शुक्रिया, अमेजिंग सर अमेजिंग। अच्छा अगला सवाल आप तीनों के लिए, आप लोगों ने साथ में शोज तो किए ही होंगे? हाँ बहुत बहुत भाई, आज सुबह ही लौटे। अरे वाह क्या बात है। अच्छा तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग स्टेज पर गए और कभी किसी को ज्यादा तालियां मिल गई या किसी ने 1 घंटा गाना था और थोड़ा ज्यादा गा दिया तो फिर आप ग्रीन रूम में यार बोला ए भाई ज्यादा शाणा मत बन, तेरे को 1 घंटा बोला तो 1.25 घंटा क्यों गाया? कभी ऐसे अनबन हुई है? होता है ये, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो जिसने ज्यादा गाया होता है उसको 1 पैक ज्यादा दे देते। सुपर सर आपका कभी मन नहीं हुआ, जैसे आजकल म्यूजिक वीडियो का जमाना है कि आप भी 6 पैक बना लें, जीन जैकेट पहन लें, 6 सुंदर सी मॉडल अपने पीछे खड़े कर लें? 6 पैक साथ में ले जाते ना ये। ऐसे बलराज आर्टिस्ट का कोई दायरा नहीं होता है, आर्टिस्ट जब चाहे जो चाहे वो रूप धारण कर लेता है और इसका एक नमूना हम अगर हमारे तीनों सुपरस्टार्स की इजाजत हो तो yes, yes, दिखाएं ऑडियंस को। बिल्कुल दिखाना चाहिए सर, हो जाए मॉडर्न अवतार में आप लोगों को देख लें। दिखाइए। चलो फिर आज एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च ही कर देते हैं यार, करते हैं एंटरटेनमेंट की बात। नमस्ते सर, नमस्ते। आदाब आदाब मियां, बलराज मियां हम आपको आदाब नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आ और हमारा पैर दाब। ओ हेलो चवन्नी, कौन है तू? एक और बार बदतमीजी से बात की ना आपने तो कसम से कह रहा छेद वाली चेयर पे बैठा के
और नीचे से आपको बेल्ट से मारेंगे। अच्छा मियां बाप ने पूछ ही लिया है तो हम बताते हैं, हम वो हैं जो पंकज उदास बनते बनते रह गए थे। अच्छा ये पंकज उदास हैं और हम उदास हैं। सिर्फ उदास, सच में उदास। तुमको पता है वो गजल गाते हैं और जितने भारी भारी शब्दों का वो इस्तेमाल करते ना बेटा, नीचे दबके मर जाओगे तुम। अच्छा हम कुछ शायरियां लिख के आए थे, आपकी इजाजत हो तो हम पेश करें। हाँ इरशाद, इरशाद सुनाइए। इरशाद माशाल्लाह। उनकी आरजू पे दिलवालों का दिल मचलता है। क्या क्या शुरुआत है। उनकी आरजू पे दिलवालों का दिल मचलता है, जिनके घर शीशों के हों वो बत्ती बुझा के कपड़े बदलता है।